अब मुझे थ्योरी के अंदर बताओ, थ्योरी के अंदर अब तक के आपके पास टोटल स्लाइड आई है थ्योरी की 6, टोटल स्लाइड है आपके पास थ्योरी की क्या है 6 स्लाइड है। अब ये यस बताओ सर, 6 स्लाइडों में आपने हर स्लाइड पढ़ रखी है या आपकी मेरे हिसाब से बीच में एक स्लाइड मिस है, आई थिंक वो मिस एक वाली स्लाइड मिस है हमारी, कौन सी वाली, लेफ्ट लेक्चर लेक्चर 3 मिक्स है हमारा 3। लेक्चर 3 मिस है ना, वो प्रोबेबिलिटी वाला लेक्चर शायद मिस है आपका, जी जिसके शायद अंदर वो से। काइंड ऑफ प्रोबेबिलिटी तुम लोग जल्दी जल्दी करके जो है वो क्लोज कर दी थी क्लास, और बाकी सब आगे निकल गए, तुम लोग पीछे रह गए, जी शायद वही है जी। वो वही है। रुको मैं चेक कर लेती हूँ एक बार। हाँ ये इवेंट जिसके अंदर वेन डायग्राम थी, वेन डायग्राम वगैरह समझा दी थी आपको और बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिए थे, लेकिन फिर वो आगे तक नहीं गए थे, ऑब्जेक्ट डिफरेंट अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी तक के जाने नहीं दिया था आपने, मतलब आधी सीखी हुई थी आधी नहीं सीखी हुई, ऐसे ही है, जी, वाली ऐसी। आधी आती है आधी, आधी के बाद तुम लोगों का था मिस बस बहुत हो गई, आधी आती है आधी नहीं आती। अच्छा अब इसके लिए मैं कोशिश करूंगी, देखो स्टूडेंट, कि मैं आप लोगों की अरेंज कर दूं क्लास, क्योंकि अब सेमेस्टर शॉर्ट रह गया है, एक ही मेरे पास भी ज्यादा क्लासेस नहीं है, अगर मैं इनकी क्लास अरेंज करूंगी तो पुरानी वाली क्लास मेरी रह जाएंगी। तो अब ये एक काम कर सकती हूँ कि स्टूडेंट ने इसके वीडियो रिकॉर्ड्स की हुई है, मतलब उन लोगों ने ना यूट्यूब के चैनल बनाया हुआ, पता नहीं आपकी क्लास के कोई कोई स्टूडेंट है जिन्होंने पूरा चैनल बनाया हुआ जिसमें लेक्चर वाइज जो है वो सारी अपलोड करते हैं, तो मैं उनसे जो यस है ना मिस, हमारी इसका, क्लास का है। तुम्हारी क्लास का है, अगर वहां पे ये वाला लेक्चर अपलोडेड है तो बेटा वहां से सुनना शुरू कर दो तुम। मैं बात कर लेती हूँ कि भाई ये वाला लेक्चर कहाँ है, तो फिर मैं हमजा को इंडिविजुअल भेज देती हूँ कि ये भाई ये मिसिंग लेक्चर की वीडियो है ये सुन लो, समझ आ रही है, ठीक ताकि वो लेक्चर आपका कंप्लीट हो जाए, कल को एग्जाम पेपर बनेगा तो वो सबके लिए एक ही होगा, वो फिर एक के अंदर कुछ ये कहेंगे हमने टॉपिक नहीं पढ़ा तो फिर ये गलत होगा, समझ आ रही है। मिस, ये जो टॉपिक है ये रैंडम वेरिएबल से पहले का है ना, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन से पहले का। हाँ, पुराना है उससे भी एक, शायद एक ही एक से पुराना है। मैं इसकी प्रॉपर ना आपके सीआर, वो मतलब मैं सीआर के ग्रुप में डालती हूँ लेक्चर 3 की, क्या नाम है, मुझे रिकॉर्डिंग चाहिए, तो वो मुझे सीआर सेंड करेंगे, फिर मैं आपके टारगेट जो हमजा है ना आपके सीआर, हमजा को फिर मैं इंडिविजुअल फॉरवर्ड कर दूंगी, और फिर हमजा आपको अपलोड करेंगे लेक्चर नंबर 3 पीपीटीज की रिकॉर्डिंग के नाम से, तो समझ जाना है कि वो रिकॉर्डिंग है जो हमारी मिस थी, समझ आ रही है। यस मिस, लेकिन ये जो आपने बोल रही है ना रिकॉर्डिंग, वो हमारे क्लास के उस बॉयज ने रिकॉर्ड नहीं की है। मैं चेक कर लेती हूँ मॉर्निंग के अलावा आपका दूसरा सेक्शन है, इन सब में तो ये पीपीटीज कवर हुई है ना, मॉर्निंग के जी दोनों सेक्शन है, इवनिंग का दूसरा सेक्शन है, उसमें तो ये पीपीटी मैंने प्रॉपर पढ़ाई है, तो किसी ना किसी ने तो ये पीपीटी लेक्चर रिकॉर्ड किया होगा, तो जिसने भी किया होगा मैं उससे अरेंज करके आपको दिलवा दूंगी, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे अगर हमजा मौजूद नहीं है तो ये मैंने तुम लोगों को बता दिया, अब तुम लोगों का काम है कि जब ये अपलोड हो तो बाकी स्टूडेंट को गाइड कर दो, समझ आ रही है मेरी बात। यस, ठीक है, अब यहाँ पे हमजा के नेमो बदल कोई सीआर नहीं है गर्ल्स की या कोई और, मिस मैं हूँ अरीशा अरीशा, ठीक है अरीशा बेटा मैंने आपको बता दिया, आपने सुन लिया ये बात, अब ये जी। बाकी मिस स्टूडेंट को कम्युनिकेट कर देना, चाहिए कोशिश करूंगी कि मैं खुद ठीक से समझा दूं, लेकिन एंड ऑफ द सेमेस्टर अगर ना समझा पाई तो याद रखना है कि मेरी तरफ से वो लेक्चर की वीडियो आपके पास मौजूद है और आप उसे सुन के समझ सकते हो। अच्छा अब अच्छा यहाँ पे मिस, देखो, बोलो नहीं बात पूछनी थी कि जो अभी इस सेमेस्टर का मतलब कितना हो गया, सिलेबस हमारा मतलब एंड होने बेटा, वाला है। ऑलमोस्ट तुम लोगों के पास कोर्स आउटलाइन दी थी ना मैंने, नहीं नहीं दी तो नहीं आपने, नहीं थी, सबमिट अपलोड तो करवाया था कोर्स सीआर के ग्रुप पर, नहीं दी कोर्स मिस। आउट नहीं थी, कोर्स आउटलाइन, एक मिनट रुको, ऑलमोस्ट 50%, तो 50 to 50% हो चुका है, बस थोड़ा ही रह गया, क्योंकि अब सिर्फ हमारे पास 4 से 5 क्लासेस है, खत्म हो गई ना हमारी क्लासेस भी खत्म हो गई, जैन के मिड में जो है वो आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, तो मेरे पास ज्यादा नहीं है, सिर्फ 5 लेक्चर मजीद है, तो बस ये 5 लेक्चर के अंदर और जितना कवर होगा आई थिंक हाफ 50% 5 लेक्चर में मजीद कवर करना है, आई थिंक 60% हो गया है, सही सही है, है, अब सही बस थोड़ा ही रह गया है, मतलब ज्यादा नहीं, मैं अपना टाइम पे सिलेबस कंप्लीट कर दूंगी, मतलब अगर 15 जन की बात है सेमेस्टर ऑफ की, तो 15 जन पे ही मेरा सेमेस्टर इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा, अगर उससे आगे पीछे जाती है एग्जाम की डेट तो फिर वो आप लोग अपनी तैयारी के लिए रखना, मैं क्लास नहीं लूंगी, सही।
सही है, बस मेरा एग्जैक्टली 15 पे खत्म हो जाएगा, और मेरा टारगेट भी यही है कि मैं 15 जनवरी से पहले पहले ही कंप्लीट कर दूं, ताकि आपको प्रैक्टिस के लिए और फिर दूसरे सब्जेक्ट के लिए टाइम मिल जाए। सही है स्टूडेंट, तो आज आई थिंक हम लोगों ने 6 लेक्चर लिया है ना, तो ऑलमोस्ट यही होगा 15 या 14 इस तरह, जितने भी आई थिंक 13 लेक्चर का सेमेस्टर है ये, तो ऑलमोस्ट 13 पे ही कोशिश करूंगी कि स्टॉप कर दूं। अच्छा चलो, अब जो है वो तुम्हारे साथ मैं वापस जो है वो जरा स्लाइड शेयर कर रही हूँ, प्रेजेंटेशन मैटलब की शेयर कर रही हूँ, 1 और 2 ठीक है, यूज़ जो में आपको वे मिसिंग रह गई है बोलो। मेरे सामने लैब वन कर ली थी, मेरे सामने सबसे पहली क्लास में ये समझाई थी आपने, सही है, इंट्रोडक्शन टू फिर मैट लैब मैं वन। आपको 2 समझाऊं। जी जी यस yes। प्लीज। चलो अगर मैं इसका एक गो थ्रू करवा दूं तो बेहतर है। सही है, हाँ मैं करवा, सही है, सही है। सही है। ये देखो, ये मैटलब का इंट्रोडक्शन हो चुका था सारा, मैटलब के तमाम इंट्रोडक्शन ये तमाम हो चुके थे ठीक है, डेवलप्ड ऑफ एनवायरनमेंट से भी बात हो चुकी थी सही है, यस यस वेक्टर को ऐड करना सिखा दिया था, वेक्टर को मतलब इनपुट करना भी बताया था कि देखो किस तरह इनपुट करते हो, ये भी कहा था कि इसे 10x10 के अंदर इंक्लूड कर, सही है। तो आप लोगों ने यस सर। इनपुट वेक्टर करना सीख लिया होगा, और अभी अभी मैंने आपको लैब नंबर 3 पे एक इनपुट करना सिखाया भी कि इनपुट वेक्टर हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में डिफाइन किए जाते हैं, और बस आपने स्क्वायर ब्रैकेट में देना है और इंटर कर देना है सही है। फिर कॉलम वाइज भी इनपुट करना सिखाया था, नल ऑपरेटर भी बताया था, और कहा था कि ये आपकी इम्प्लीटेशन है जिसको आपने खुद से परफॉर्म करना है, ये वो साइड थी जिसको आपने खुद से परफॉर्म करना था सही है, आपने परफॉर्म कर ली होगी। फिर ये वाली स्लाइड भी खुद से करनी थी, फिर ये कहा था कि ये एक एक कमांड है इसको अप्लाई करके चेक करना है कि कौन सी कमांड किस लिए काम करती है, फिर वेरिएबल्स वगैरह इक्वेशन सब बताई थी। अब यहाँ पे ये स्लाइड तो कंप्लीट हो जाती है सही है, तो इसको सिर्फ मैंने ओवरव्यू करके देख लिया क्योंकि ये स्लाइड मैं आपको समझा चुकी हूँ। अब आप पे ये पेंडिंग है कि अब आप मुझे जो है वो स्लाइड को इम्प्लीमेंट करके एज सून जो है वो एग्जाम से पहले पहले जो है वो इसे सबमिट करवा दो, समझ आ रही है। नहीं अब हमारे आपको जो सर आपको, करवानी है क्योंकि वो मिस मुझे में तो बहुत प्रॉब्लम है, वरी स्लाइड मैं नंबर आपको टू काट दूंगी। करानी है। मिस ये गूगल क्लासरूम पे सबमिट करानी है, फिर अपने पास सभी कर करके रख लें, फिर आपको पेपर वाले दिन कराएं। अभी बेटा एक काम ये करो, तुम ये सब अपने पास रखो, शॉर्ट सेमेस्टर है अपने पास रखो, मैं एग्जाम से सही एक दिन पहले एक ईमेल सही आईडी दूंगी आपको, वहां सब कुछ सबमिट कराते फिरना। ओके मिस, अंडरस्टूड, थैंक यू थैंक सही है, अभी ये तुम सब यू। अपने पास रखो, अभी बस करते चले जाओ रखते चले जाओ, और उसके बाद फिर मैं एक दिन बताऊंगी, और सिर्फ 2 दिन का टाइम दूंगी, उसके 2 दिन के अंदर अंदर तुम लोगों ने सब सबमिट कराना होगा सही है। अच्छा अब तुम लोगों की लैब नंबर 1 और 3 कंप्लीट कर दी है मैंने, अब सिर्फ लैब नंबर 2 की पेंडिंग थी जो मैं आपको भी समझा रही हूँ। अब देखो डेटा रिप्रेजेंटेशन, डेटा रिप्रेजेंटेशन के लिए आपके पास यहाँ पे देखें, आपके पास फॉर्मूला गिवन है यहाँ पे कि आपने क्या करना है, सबसे पहले एक एंट्री करनी है डेटा की, इस डेटा की जो है वो डेटा क्या गिवन है, एज ऑफ 18 स्टूडेंट ऑफ BScS, आपके पास जो है वो जी, ये सेकंड प्रैक्टिकल ऑलरेडी जो है वो CR के ग्रुप पे सेंड है। अब मैंने आपको क्या कहा कि 6 स्लाइडें 3 प्रैक्टिकल और 3 असाइनमेंट अपने CR से फौरन से रिसीव करवाओ, बोलो ये सारी चीजें हमें अरेंज करके दो, पाव दही लाना उनके ग्रुप पे ये सब कुछ मौजूद है, वो डाउनलोड कर करके आपको देंगे। दूसरों अच्छा अब जो है वो आपके पास क्या है कि सबसे पहले आपने डेटा एंट्री करनी है मैटलब में, और इसमें क्या कहा है कि डेटा आपके पास गैदर करके यहाँ पे डिफाइन किया है, इस डेटा के अंदर आपके पास क्या है 18 स्टूडेंट का जो है वो आपके पास डेटा गिवन है ठीक है। अब इस 18 स्टूडेंट का BScS का एज का डेटा गिवन है, इस पे इन्होंने कहा है कि हमें फर्दर जो है वो क्या अप्लाई करना है, कुछ परफॉर्म करना है रिस्ट्रिक्शंस को, तो सबसे पहले मैंने आपके सामने जो है वो जरा इसको आपके सामने मैटलब पे इंटर करके भी दिखा देती हूँ, ताकि आपको जो है वो आइडिया हो कि किस तरह इंटर भी करते जाते हैं। तो सबसे पहले आपके पास मैटलब की स्क्रीन नहीं आ रही, वो मैटलब बंद हो गया क्या, अच्छा अब यहाँ पे देखें ये मैटलब आपके सामने शो हो रहा है, अब यहाँ देखिए मैंने 18 ईयर का मतलब 18 स्टूडेंट का डेटा यहाँ पे आपके सामने स्टोर करवा दिया ठीक है, एक वी वेक्टर है उसमें स्क्वायर ब्रैकेट दिए, और हर वैल्यू का डेटा मैंने आपके सामने स्टोर करवा दिया ठीक है। अब हर वैल्यू का डेटा स्टोर करवाने के बाद अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, अब आपके पास दोबारा से स्लाइड शेयर कर रही हूँ, अब इसमें आपसे पूछा गया है कि इस 18 ईयर के डेटा के ऊपर आपने क्या अप्लाई करना है, इस 18 ईयर के डेटा के ऊपर आपने अप्लाई करना है रिलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और रिलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस पे अप्लाई करनी है,
अनग्रुप डेटा पे। तो जो डेटा भी आपने वी की फॉर्म में मैटलैब पे स्टोर करवाया है, इसी डेटा पे आपने रिलेटिव फ्रिक्वेंसी मालूम करनी है। तो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी मालूम करने का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला, अब वी क्या है आपके पास, वी वो आपके पास जो है वो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है या इनपुट पैरामीटर है जिसके अंदर आपका डेटा क्या है, स्टोर है। ठीक है, तो ये डेटा जो है वो आपके पास स्टोर है और ये जो है वो आपके पास क्या है, वो इनपुट वेरिएबल है। अब इसके अंदर आपने क्या करना है कि इसके अंदर आपने सबसे पहले जो है वो टैबुलेट करना है। अब टैबुलेट का जो वो सिंपल आपके पास कीवर्ड मौजूद है जो क्या कैलकुलेट कर देता है, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो आपके सामने देखो मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाई हुई है, स्क्रीनशॉट के अंदर मैंने आपके सामने मैटलैब की स्क्रीन के ऊपर टैबुलेट की कमांड इंसर्ट की और उसमें अपना डेटा वेरिएबल डाल दिया। डेटा वेरिएबल डालने के बाद जैसे मैंने इसको इंटर किया, इंटर करने के बाद मेरे पास ये वैल्यूज कैलकुलेट करके दे दी उसने। अब ये वैल्यूज हमेशा इसने 1 से स्टार्ट की है और 25 पे स्टॉप की है। 25 पे क्यों स्टॉप किए, क्योंकि जो मेरा डेटा पॉइंट है इसमें मैक्सिमम वैल्यू 25 है, इसलिए इसने 25 पे ब्रेक कर दिया। अब ये जो टैबुलेट की कमांड है ये हमेशा से याद रखना कि हमेशा हमेशा जो है वो आपके पास क्या करेगा कि टैबुलेट की फ्रिक्वेंसी को जो है वो क्या करेगा, 1 से ही स्टार्ट करेगा। बेशक हमारा डेटा सेट जो है इस वक्त 21 से स्टार्ट था, लेकिन इसने हमेशा कहाँ से स्टार्ट कर दी, 1 से स्टार्ट कर दी। समझ आ रही है? तो ये जो बिल्टन फंक्शन होते हैं, इस बिल्टन फंक्शन का मतलब ये है कि ये अपनी मर्जी से काम करेंगे, आपकी मर्जी से काम नहीं करेंगे। ये जिस तरह 1 से डिफाइन करते हैं तो ये 1 से ही रहेंगे। आप अगर अपना अगर आप अपनी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करना चाहते हो तो फिर आप अपना बिल्टन फंक्शन इस्तेमाल करो, फिर वो आप अपने बिल्टन फंक्शन के मुताबिक क्या करेंगे, ये आपकी फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करके देंगे। लेकिन बिल्टन फंक्शन पे तो ये हमेशा 1 से ही स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ से देखें शुरू में इसकी वैल्यू क्या है। इसके अगर मैं थोड़ा सा जूम करूँ इसको, तो आपके पास जो है वो इसको जूम करा है मैंने आपके सामने, तो यहाँ पे देखिए टैबुलेट की मैंने कमांड इंसर्ट करी, इंटर दबाया, इंटर दबाने के बाद ये फौरन से मेरे पास आंसर आ गया। आंसर आने के बाद देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19 तक के मेरा कोई डेटा मौजूद नहीं था, मेरा डेटा 21 से स्टार्ट था। तो 21 से इसने कहा कि 20 से मेरा स्टार्ट था, 20 की एक वैल्यू थी, एक वैल्यू के इसने रिलेटिव फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट कर दी, 21 की कितनी वैल्यूज थी, 3, इसकी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी ऐड हो गई। फिर 22 की रिलेटिव फ्रिक्वेंसी, 23 की, 24 एंड 25 हर किसी की इसने रिलेटिव फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करके दे दी। ये जो परसेंटेज का कीवर्ड है ये आपकी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप चाहो कि 20 से लेकर 21 तक की रिलेटिव फ्रिक्वेंसी आए तो ऐसा नहीं होगा, फिर आप अपना फंक्शन बनाओ, अपनी लॉजिक अप्लाई करो। बिल्टन लॉजिक ऐसे ही अप्लाई करनी होगी जैसे वो आपको जिस तरह आपको वो प्रोवाइड कर रहा है। तो ये जो काउंट है, काउंट बेसिकली क्या बता रहा है, नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी, और परसेंटेज बता रहा है रिलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो एक टैबुलेट का कीवर्ड बस आपने ऐड करना है और ऐड करने के बाद आपके पास डायरेक्टली वैल्यू जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। अब दूसरा देखें आपके पास, दूसरी चीज आपके पास क्या है, यहाँ पे आपको फ्रिक्वेंसी मालूम करनी है, ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे बनाते हैं, लोअर लिमिट और फिर ऐड करते हैं उसके अंदर एच इंटरवल के बाद उसकी अपर लिमिट। तो आपको याद है कि हम हमेशा फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए हम एक इंटरवल बनाते हैं। अब इंटरवल बनाते हैं यहाँ पर, अब अगर हमें यहाँ पे इंटरवल बनाना है और फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करनी है ग्रुप की, तो आपने सबसे पहले आपके पास ये दो कमांड जो है वो आपने ऐड करनी होगी। पहली कमांड आपने लोअर बाउंड्री की बनानी होगी, दूसरी कमांड आपने हिस्ट्रिक की बनानी होगी। ये जो हिस्ट्रिक का कीवर्ड है ये बेसिकली ग्रुप फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए काम किया जाता है। जब भी आपको ग्रुप फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करनी होगी तो आपने ये कीवर्ड इस्तेमाल करना होगा। और इस कीवर्ड के दो पैरामीटर है, पहला पैरामीटर है नंबर ऑफ वेरिएबल, नेम ऑफ वेरिएबल मतलब जिसमें आपका डेटा स्टोर है, लोअर लिमिट मतलब उस डेटा की आप लोअर लिमिट डिफाइन करोगे कि आप उसकी लोअर लिमिट क्या डिफाइन करना चाहते हो। अगर आपने ये दोनों वेरिएबल आपने इसको इनपुट दे दिए तो इसका मतलब है कि ये आपकी ग्रुप फ्रिक्वेंसी बना के आपको दे देगा। तो इसके लिए आपने क्या करना होगा कि जब आपने इसकी लोअर लिमिट आपने खुद से प्रोवाइड करनी होगी, इसलिए आप पहले लोअर लिमिट डिफाइन करो कि आपके डेटा की मिनिमम वैल्यू क्या है, आप उस डेटा का साइज ऑफ इंटरवल क्या रखना चाहते हो और उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो ये आपकी क्या होगा, ये फॉर्मूला होगा आपका लोअर लिमिट बनाने का। जैसे अभी मेरा डेटा 20 से 25 तक का था, मैंने इसकी लिमिट क्या बनाई, मैंने कहा कि भाई मैं एक एक इंटरवल के लिमिट बनाती हूँ, मतलब मैं इंटरवल का साइज जो है वो 1 रख रही हूँ। जबकि आप इंटरवल का साइज 5 भी रखते हो, 10 भी रखते हो, 15 भी रखते हो, 20 भी रखते हो, मेरी डिस्क्रिप्शन के मुताबिक यहाँ पे सिर्फ 1 है। अब मैंने इनिशियल मिनिमम वैल्यू रखी, मिनिमम वैल्यू 20 है मेरे डेटा की, स्टेप साइज मैंने रख लिया 1 का, और मैक्सिमम डेटा मेरा 25 का था, लेकिन मैंने हमेशा इसको क्या करना है, 1 ज्यादा देना है,
ठीक है, एक वैल्यू आपको पता है हमेशा ज्यादा दिया करो, वरना ही अगर आपके पास 25 की वैल्यू होती है तो अक्सर वो वैल्यू उसके अंदर आती नहीं है, तो एक वैल्यू हमेशा आप उसके अंदर ज्यादा रखा करो। ठीक है, तो ये आपने क्या कर दी, ये आपने अपनी लोअर बाउंड्री डिफाइन कर दी। फिर आपने कैलकुलेट करना है ग्रुप फ्रिक्वेंसी। ग्रुप फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए ओरिजिनल डेटा चाहिए और उसकी लोअर बाउंड्री। लोअर बाउंड्री आप डिफाइन कर चुके हो, ग्रुप फ्रिक्वेंसी डेटा आपने वी में डिफाइन किया हुआ, ये कमांड आपने जस्ट अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के लिए देखिए, मैंने मैटलैब पे अप्लाई कर दी है आपको, अप्लाई करके दिखाई भी है। अप्लाई करके दिखाने के लिए आपके पास यहाँ देखें, सबसे पहले मैंने अपने लोअर लिमिट डिफाइन कर दी, लोअर लिमिट आपके सामने आ गई। उसके बाद मैंने फंक्शन कॉल किया, डेटा मेरा ऑलरेडी पहले डिफाइन मैं आपके सामने कर चुकी हूँ और ये लोअर लिमिट भी मैं पहले ही डिफाइन कर दी। इन दोनों को करने के बाद ये मेरे पास क्या बन गई, ये मेरी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। किसकी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन गई, एक ग्रुप की। और ग्रुप क्या है मेरा, वन इंटरवल का सिर्फ ग्रुप है कि भाई एक एक इंटरवल के अंदर फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या आ रही है। अगर आप इंटरवल चाहो इंटरवल साइज आप ज्यादा भी कर सकते हो। अब अगर मुझे क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना है, मतलब अगर मुझे क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है, तो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो मेरा फंक्शन इस्तेमाल होता है वो किसका होता है, कम सम का। कम सम का जो फंक्शन है ये बेसिकली क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन बनाता है। अब क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन के भी तुम लोगों को पता है दो केस थे, ग्रेटर देन और लेस। याद है दो केस थे, ग्रेटर देन और लेस देन के दो केस थे, लेकिन यहाँ पे जो है वो लेस देन वाला केस लगा हुआ है। मतलब हर वैल्यू में प्रीवियस वैल्यू ऐड करते जाओ, 1 + 3 4, 4 + फिर 4, 4 के बाद 4 के अंदर पुरानी वैल्यू ऐड कर दो, 4 + 4, 4 + 4 8। मतलब हर वैल्यू के आगे बढ़ती हुई वैल्यू के अंदर पुरानी वैल्यू को ऐड करते जाना है। तो इसका मतलब है कि कम सम का जो ग्राफ बन रहा है वो सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूशन पे बन रहा है, और वो एक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है आपके पास, सिंपल जो है वो कम सम का ग्राफ है जो सिर्फ एक वैल्यू लेस देन का कैप्चर कर रहा है, ग्रेटर देन का कैप्चर नहीं करता। ग्रेटर देन का कैप्चर करने के लिए कोई और कमांड लगेगी जो कि मैंने अभी यहाँ डिफाइंड नहीं की। तो जितनी मैं कमांड सिर्फ बता रही हूँ सिर्फ उतनी ही कमांड अप्लाई करें। अब आ जाते हैं कि हमने कुछ डिफरेंट तरीके के जो है वो ग्राफ ड्रॉ करने हैं अपने मैटलब पे। अब आपको पता है कि अगर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा की बात करें, अगर सिंपल छोटा मोटा सा डेटा होता है तो उसके सारे के सारे ग्राफ आप हैंड रिटन ड्रॉ कर रहे होते हो। लेकिन अगर डेटा सेट आपका ग्रेटर देन हो जाए, लार्जेस्ट हो जाए, अगर आपको बोला जाए 1000 का मीन कैलकुलेट करो, 1000 का जो है वो मॉड निकालो, तो फिर क्या होगा, काफी मुश्किल होता है, एक वैल्यू को डिफाइन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना होगा, इसलिए हमें जो है वो बेसिकली क्या करना होगा कि आपने जो है वो क्या करना है, सबसे पहले इसके अंदर डिफाइन करने के लिए आपने क्या करना होगा कि जब हमारे लार्जेस्ट डेटा सेट की विजुअलाइजेशन की बात आती है तो फिर हमें क्या करना होता है, हमें जो है वो बेसिकली ग्राफ ड्रॉ करना पड़ता है। फिर उन लार्जेस्ट डेटा सेट के लिए हमें किसी ना किसी कंप्यूटेशन ग्राफ की ही जरूरत पड़ती है। तो अगर मुझे हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है तो हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए बार की कमांड इस्तेमाल होती है, और इस बार के अंदर जो पैरामीटर जाते हैं वो तीन जाते हैं। पहला पैरामीटर जाता है लोअर बाउंड्री का, दूसरा पैरामीटर जाता है फ्रिक्वेंसी का, तीसरा पैरामीटर जाता है हिस्टिक का। हिस्टिक का पैरामीटर किस लिए इस्तेमाल करते हैं, हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, अगर यहाँ पे बार की, क्योंकि बार की कमांड जो है ना डिफरेंट जो है ना प्लॉटिंग करती है, तो अगर हमें हिस्टोग्राम टाइप का प्लॉट करवाना है तो फिर हमें हिस्टिक का कीवर्ड को इस्तेमाल करना होगा। ठीक है भाई, तो इस कीवर्ड को इस्तेमाल करने के लिए जो है वो हमारे पास ये फंक्शन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो आपको रिस्ट्रिक्ट करते हो कि भाई बार का कीवर्ड हिस्टोग्राम के लिए ही इस्तेमाल होना चाहिए। जिसके इसके जो पैरामीटर है हिस्टोग्राम को ड्रॉ करने के लिए जो पैरामीटर की रिक्वायरमेंट होती है वो किसकी होती है, लोअर बाउंड्री की और फ्रिक्वेंसी की। अब आपने ये सारे ग्राफ मैन्युअली ड्रॉ कर चुके हो, आपको पता है कि किस तरीके से हम डेटा का मैन्युअली लोअर बाउंड्रीज और फ्रिक्वेंसीज निकालते, लेकिन अभी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सारा के सारा काम कंप्यूटेशनल वाइज कर रहे हैं। अब अगर हमें ओजाइव ड्रॉ करना है, ओजाइव ड्रॉ करने के लिए आपको मैनुअल ओजाइव ड्रॉ करना आता है। अब अगर कंप्यूटेशनल ओजाइव ड्रॉ करना है तो कौन सी कमांड लगानी होगी, प्लॉट की, और उसके अंदर पैरामीटर कौन सा करना होगा, बोलो। अभी हम जैसे यहाँ पे हिस्टोग्राम और ओगाइव ड्रॉ कर रहे हैं, तो हमने क्योंकि पहले इनके जो ब्रैकेट है पेरेंथीसिस है इसके अंदर जो हम एल एफ सी ये सब जो दे रहे हैं तो इनपुट, तो ये हम क्योंकि पहले कैलकुलेट कर चुके हैं तो ये पहले कैलकुलेट करना है, लाजमी है ना, ये लाजमी, वरना वो एरर देगा कि मिसिंग एल एंड सी वैल्यू। यानी हिस्टोग्राम से पहले हमें डेटा वगैरह सारा अरेंज करना पड़ेगा, पूरा 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 प्रोवाइड करना होगा। इसके पैरामीटर के अंदर जितनी वैल्यू जा रही है ना, हर एक एक चीज पहले से प्रीडिफाइंड होनी चाहिए और उसकी कैलकुलेशन। जैसे
जैसे आपने उसकी, लैब 3 में जो हाँ बताया उसके लिए भी हमें पहले पूरा काम करना पड़ेगा ये पूरा पूरा मतलब। ठीक पूरा पूरा काम करना है पड़ेगा, हर पैरामीटर को पहले से प्रीडिफाइन करना पड़ेगा और उसके बाद फिर उस पर कैलकुलेशन परफॉर्म होंगे। देखो यहाँ पे भी ठीक आपको देखो उतनी प्रोग्रामिंग की जरूरत तो नहीं पड़ रही, लेकिन फिर भी स्टेप्स की जरूरत पड़ रही है, समझ आ रही है? जैसे सही उसमें आप लोग प्रोग्रामिंग कर रहे थे फॉर लूप, अगर मुझे यही काम करना होता मैट्रिक्स की फॉर्म में तो मैं क्या करती, यहाँ दो दो फॉर लूप लगाती और एक फॉर लूप से इनपुट लेती, दूसरे पे अप्लाई करती, फिर उसकी मल्टीप्लाई डिवाइड और सब्ट्रैक्ट जो भी मुझे करना था। लेकिन उस लिहाज से, उस प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के लिहाज से ये प्रोसीजर आसान है कि यहाँ पे सिर्फ जी इनपुट पैरामीटर डालने पड़ते हैं और इनपुट पैरामीटर की वैल्यू को पहले से डिफाइन करना पड़ता है और हमारी कैलकुलेशन परफॉर्म हो जाती है। तो इसीलिए ये सही सॉफ्टवेयर जो है वो समझो कि मैथमेट, अब यहाँ पे तुम और मैं तो कंप्यूटर साइंस के तो समझ सकते हैं कि हमने क्या क्या चीजें क्या पहले डिफाइन करनी चाहिए थी, लेकिन जाहिर सी बात है अब मैथमेटिक्स से, फिजिक्स से, स्टैट से, कितने सारे कंप्यूटर साइंसेस के ऐसे मतलब ऐसे डोमेन है साइंस की फैकल्टी में जिसमें कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है, अब तो उनके लिए ये सॉफ्टवेयर निकाले जाते हैं कि भाई उनको इतनी डेप्थ प्रोग्रामिंग तो नहीं बताई जाए लेकिन कम से कम एक कॉन्स्टेंट या फिर एक कुछ प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट बता दिए जाए ताकि ये कंप्यूटेशनल सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर सकें। तो आप लोग अब अपनी नॉर्मल प्रोग्रामिंग और इस प्रोग्रामिंग को देख रहे हो तो यहाँ पे आपको बहुत आसान लग रहा है क्योंकि यहाँ पे सब पैरामीटर को ऐड करते जा रहे हो और वैल्यू निकलती जा रही है, सही। लेकिन ये काम अब नॉन कंप्यूटर साइंस के हिसाब से देखो तो किसी और के लिए मुश्किल काम है। सही है, ठीक क्योंकि अब मैं हर किसी चीज का जो है वो फंक्शन खुद से नहीं बना रही, अब मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी, क्योंकि अब हर चीज का देखो टाइम हमारे पास भी नहीं होता। जैसे मैं अपने रिसर्च से रिलेटेड बात करूँ तो कभी कभी मेरे पास जो है वो बहुत थाउजेंड्स में या इस तरीके से बहुत लार्ज डेटा सेट्स होते हैं, 10,000 20,000 इस तरह के डेटा सेट होते हैं, और जब मुझे उनको हैंडल करना होता है तो फिर मैं अपना फंक्शन इस्तेमाल नहीं करती कि मैं बैठ के फॉर लूप बनाऊँ, उ लूप बनाऊँ, प्रोसीजर इस्तेमाल करूँ, फिर मैं भी इस तरह के लेस कंप्यूटेशन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे भी उस वक्त जो है वो डेटा को जल्दी ही प्री प्रोसेस करवाना होता है। तो ये सारी देखो इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट की स्ट्रेटेजी तुम ICS 2 में भी पढ़ रहे होगे, लेकिन यह बात यह है कि अब आप इसकी दूसरा वर्जन भी पढ़ो जिसके अंदर चीजें बनी बनाई गिवेन है, ठीक है? सिर्फ इसको एनालाइज करो, मकसद इस वक्त हमारा हर ठीक चीज को डेप्थ पढ़ाने का नहीं, डेप्थ आपके लिए ICS और इस जैसे बहुत सारे प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट और प्रोग्रामिंग के सब्जेक्ट है जिसमें हर चीज को डेप्थ पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पे हमने क्या करना है, हर चीज को ब्रेक कर करके पढ़ना है, बस उसको हमने सब्स्टिट्यूट करते जाना है। और हमारा मेन काम क्या है, एनालाइज करने का कि भाई ये देखो किस तरह बन रहा है, किस तरह हमारे पास छोटा डेटा सेट पे बड़ा डेटा सेट अप्लाई करेंगे तो देखो हमने इसका मेथड बनाया हुआ तो, और किस तरह कंप्यूटेशन कैलकुलेट करके दे रहा है, ठीक है भाई? तो इसी सही। तरह अब यहाँ पे मकसद सिर्फ मैटलैब पढ़ाने का इतना ही है। अब यहाँ पे आखिरी आपके पास इस तरह के कुछ स्ट्रीम लीफ, मिड पॉइंट, अब ये देखो फ्रीक्वेंसी कर्व एंड पॉलीगॉन, अब ये देखो ये वही पॉलीगॉन है जो मैंने अभी आपको कहा कि डबल, अब फ्रीक्वेंसी कर्व और पॉलीगॉन किस तरह बनाते हैं, अब ये देखो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए क्या है, इसके दो पैरामीटर है, मिड पॉइंट एंड फ्रीक्वेंसी। मिड पॉइंट आपको कैलकुलेट करना होगा, लोअर बिंद्री अपर बाउंड्री इन दोनों को डिवाइड करोगे 2 से मिड पॉइंट आ जाएंगे। तो आपने सबसे पहले आपने मिड पॉइंट निकालने होंगे, मिड पॉइंट निकालने के बाद फ्रीक्वेंसी आप पहले निकाल चुके हो, फिर आप इसका ड्रॉ करोगे पॉलीगॉन, तो आपके पास जो है वो प्लॉट के फंक्शन से ड्रॉ हो जाएगा पॉलीगॉन। तो यही वो मैं कह रही थी आपको कि हिस्टोग्राम के लिए भी आपने देखा एक लोअर बाउंड्री और एफ का फंक्शन किया था, और फिर मैंने होल्ड ऑन की कमांड नहीं दी बल्कि यहाँ पे मैंने देखो अलग अलग तुम्हें डिस्क्राइब करके दिखाया कि देखो ये अलग अलग किस तरह बनेंगे, लेकिन अगर मैं इन दोनों वैल्यू को एक ही ग्राफ पे रख दूं तो फिर मुझे बीच में होल्ड ऑन की कमांड देनी पड़ेगी, सही है? तो ये सारे देखो मैनुअल ग्राफ्स तुम लोगों ने ड्रॉ किए हुए हैं, बस यहाँ पे तुम लोगों का काम क्या है कि कंपटीशन में सबको कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं ये सीखो, सही है? अब यहाँ पे पाई डायग्राम आपके सामने, पाई चार्ट भी ड्रॉ करके दिखाइए, बार डायग्राम करके दिखाइए, मल्टी बार डायग्राम भी किस तरह कैलकुलेट करते हैं, अब ये सारी डायग्राम जो है वो मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाई भी, और एक डायग्राम दो डायग्राम आपसे कहा है कि आप क्या करो खुद से जो है फाइंड आउट करके यहाँ ड्रॉ करो। तो अब आपके लिए जो इसके लिए असाइनमेंट होगा, इसके लिए आपने असाइनमेंट क्या करना है कि असाइनमेंट आपने ये परफॉर्म करना है इस चीजों के लिए कि आप ये तमाम चीजें जो मैंने आपको परफॉर्म करके दिखाई हैं, ये तमाम चीजें जो है वो आप एक लार्ज डेटा सेट पे इनकी डायग्राम्स और ये डायग्राम ड्रॉ करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप 20-25 का डेटा सेट कंसिडर करो और उनपे ये तमाम प्रैक्टिस आप 25 के डेटा सेट पे इम्प्लीमेंट करो। किस पे करोगे? 25 के डेटा सेट पे इम्प्लीमेंट करोगे ये तमाम स्लाइड्स को, समझ आ रही है? तो ये वो स्लाइड थी जो आप लोगों की मिसिंग थी पुराने तमाम सेक्शन से, तो अब आप जो है वो उन तमाम सेक्शन में लैब के बराबर आ चुके हो।
ठीक है, अब ये 3 स्लाइड तुम लोगों के पास मौजूद है, अभी अभी मैं इनकी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं बता रही, एंड ऑफ द सेमेस्टर जो है वो आपसे कलेक्ट करूंगे। ठीक है स्टूडेंट? मिस 25 का डेटा सेट यानी टोटल फ्रीक्वेंसी ना? नहीं, 25 का जिस तरह भी यहाँ पे मैं 18 के ऊपर सारा काम करवाया हुआ है ना, इस तरह तुम 25 के ऊपर काम करो सारा। सही सही सही, हाँ भाई ठीक ठीक है, इस तरह के 25 ठीक है पे मैम। काम। अब देखो ओवरऑल द एंड ऑफ द एंड तक के मैं इसी डेटा सेट पे ही रही हूँ, इसी पे ही मैंने फर्दर कैलकुलेशन करती जा रही हूँ। अब सही तुम इसी तरह 25 को एक्सटेंड करो, अपनी मर्जी से कोई भी डेटा एक्सटेंड करो 25 पे, और तमाम कैलकुलेशन 25 पे अप्लाई कर दो। अब अरीशा सही अगर यहाँ मौजूद है तो अरीशा यहाँ पे ये स्लाइड आपकी लैब प्रैक्टिकल 2 की जो है वो आपके ग्रुप सीआर पे मौजूद है, उसमें जाओ ऊपर की तरफ स्क्रॉल करो, वो स्लाइड सारी मौजूद है। भेज मिस दिए मिस मैंने मैम। अपने ग्रुप पे भेज दी थी। ठीक है, बाकी अब तुम जरा, तुमसे गुजारिश है कि तमाम काम एक जगह गैदर करके जो है लोगों को सेंड कर दो, ताकि इन लोगों को परेशानी ना। अच्छा मिस बस एक ये चीज बता दें, जैसे ओके आपने मिस, आगे बढ़िया। आपने आगे जैसे प्रोग्राम में एल एफ कैलकुलेट करा, एम कैलकुलेट करा, तो इसके लिए हम कोई भी वेरिएबल यूज कर लें, कुछ भी कैपिटल एक्स स्मॉल वाई जेड, एक्स वाई जेड कुछ भी मर्जी तुम लोगों की, सही है। कुछ भी मर्जी, जो मर्जी तुम लोगों की इस्तेमाल करो, बस मकसद क्या है कि कंप्यूटेशन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल आना चाहिए, मकसद ठीक है सिर्फ मैम इतना है और कुछ भी नहीं है भाई। अब स्टेट्स के अंदर जरूरी नहीं है अब हर जगह, भाई मेरे पास भी कभी इतना टाइम नहीं होता, मैं कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट हूँ, लेकिन मेरे पास हर फंक्शन बनाने का टाइम नहीं है, तो जाहिर सी बात है मैं भी क्या करूंगी, बने बनाए सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करूंगी ना। तो कभी जिंदगी में ऐसे वक्त भी आ जाते हैं जिसमें आपको हर किसी चीज की प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं पड़ती, तो जिस तरह मैं बिल्कुल कंप्यूटेशन बड़े बनाए कंप्यूटेशन पे आती हूँ और उस पर सॉल्व करती हूँ, इसी तरह अब आपके लिए भी है कि अब आप भी जो वो क्या करो, बने बनाए कंप्यूटेशन सॉफ्टवेयर भी इस्तेमाल करना सीखो, और उस पे आपने किस तरह अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं ये सीखो। ओके ठीक है, तो अब जो मैं बहुत बेसिक बेसिक सी चीजें आपको एक एक करके समझा रही हूँ, अब आगे जो है वो एकदम से जो मैं बहुत तेजी से चलूंगी फिर मैटलैब में। ठीक है, अब इसलिए हाथ के हाथ परफॉर्म करते जाना, ये ना हो कि एंड तक के जो है वो तुम लोग जाया कर दो अपना टाइम, और फिर सारा का सारा ओवर बर्डन हो जाए आप लोगों पे। ओके स्टूडेंट, कोई सवाल तो नहीं है, फिर मैं मीटिंग एग्जिट करूं? मिस 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 एक बोलो सवाल था बोलो बोलो। मिस, ये आपने जो लैब्स दी है मिस, ये वर्ड पे ही करनी है ना मिस, जैसी मर्जी, इसी ऑब्जेक्ट के की अंदर हेडिंग डाल के इसका मर्जी मर्जी पावर पॉइंट की स्लाइड बना दो, वर्ड पे कर दो, जो मर्जी है। इसको भी एडिट कर सकते हैं ना मिस? हाँ इसको ही एडिट कर दो, उसको भी एडिट कर दो, जहाँ पे मैं 18 डेटा सेट पे बात कर रही हूँ वहां पे तुम लोग एक एक करके एडिट करते हुए इसी के अंदर प्रेजेंटेशन स्लाइड ऐड करते रहो, और वो 20-30 डेटा सेट पे ऐड कर दो, सही जो है तुम लोगों थैंक को यू कन्वीनियंट है। ठीक है स्टूडेंट, ओके अल्लाह हाफिज, और नेक्स्ट लेक्चर का ध्यान रखना, वो तुम लोगों को मैं इंशाल्लाह भिजवाती हूँ फिर।